आज है संडे और आज बनाया है हमने हमारे घर में भुना गोश्त। अब भुना गोश्त वैसे तो बहुत ही साधारण रेसिपी है, हर घर में बनती है, पर मेरा अपना एक खास तरीका है। इसके लिए मैंने लिया है आज मटन। ये मिक्स पीसेस है, इसमें चाप भी है, नली भी है और कुछ गोल बोटी है, ताकि मिक्स पीसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और एक मसाला पीसेंगे, देखिए ये है खड़ा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स, और ये है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और ये है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। ये तीन मसालों का बेसिकली एक हमें पाउडर बना लेना है। जो जीरा है देखिए साफ लीजिएगा, जैसे आज मैंने लिया हुआ है, जीरे में अक्सर थोड़ी सी गंदगी रहती है। तो इन तीन चीज़ों को आप एक मिक्सी में या एक जार में डाल दें और इसको वेट ग्राइंडर में डालिएगा। कोई इसको हल्का सा पहले सौते करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मिक्सी की वजह से इतनी हीट जनरेट हो ही जाती है कि आराम से पाउडर बन जाए। बस इसको एक ढक्कन लगा के थोड़ा सा दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे हम। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको आप हाथ से उठाएं तो मसाला थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हाथ में फील होना चाहिए, यही इसकी टेक्निक है। अब इस मसाले को स्ट्रेट अवे कम से कम 4 बड़े चम्मच आप मान लीजिए और डाल दीजिए इसको आप स्ट्रेट अवे अपने 500 ग्राम मटन में, ये इसका रेशियो रहेगा। और अब है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं यूजली अपने घर में बना के रखता हूँ, तो मेरे पास ये हमेशा रहता ही है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच आप डाल लीजिए। अदरक और लहसुन की मात्रा बराबर रखिएगा, और ये डाल दीजिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जो तीखापन तो नहीं देगी, और थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसको आप मिक्स करके कम से कम हो सके तो 1.5-2 घंटे या 3 घंटे के लिए रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे आज मेरे पास वक्त कम है तो मैं तो नहीं रख पाऊँगा, और मैं स्ट्रेट अवे से कुक करना शुरू कर दूँगा, पर देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। अब एक पैन में डाल दीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल जब भी इस्तेमाल करें उसे खूब गर्म कर लें ताकि उसकी महक निकल जाए, जैसे वो स्मोकिंग पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद आपको डालने होंगे उसमें कुछ खड़े मसाले, और जिसकी शुरुआत हम करेंगे तगड़ फूल यानी कि स्टार एनिस से, कई लोग उसको चक्री फूल भी कहते हैं, इसको आप डाल दीजिए। और कुछ लाल मिर्च और तेज पत्ता ये डाल दीजिए। इस लाल मिर्च के हमने बीज पहले से निकाल लिए थे, तो खाली लाल मिर्च है और तेज पत्ता है। और अब डाल दीजिए इसमें हमारा मटन, जिसको हमने मसाला लगा के अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के मैरिनेट करके रखा था। बहुत सिंपल रेसिपी है। देखिए अब बेसिकली आपको इस मसाले में को इस तेल में भूनना है, हमने और कुछ नहीं डाला है। अभी एक चीज़ और हम डालेंगे थोड़ा बाद में, जब मटन थोड़ा भुन जाएगा। जब मटन भुन जाए आप देखेंगे जब थोड़ा थोड़ा ये हड्डी को छोड़ने लग जाए, तब आप समझ लीजिए लगभग 30% पक चुका है। मटन की क्वालिटी पर बहुत डिपेंड करता है कि मटन कितना देर से या जल्दी पकेगा। तो हमेशा मटन बहुत बड़ा साइज़ का बकरा ना हो, ये देख के लीजिए, हो सके तो खसी लीजिए, यानी कि जो गोट को न्यूट्रल किया हो या कैस्केट किया हो, उसका मीट की क्वालिटी हमेशा सॉफ्ट रहती है। अब देखिए जब तक ये मटन भुन रहा है, हम एक काम करते हैं, कुछ ढक्कन लगाने के बाद इसको कुछ प्याज को लेते हैं, उसको छील के इसको हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे बगैर पानी डाले। इस तरह से मैंने आज 4 प्याज लिए हैं तकरीबन, इनको छीलने के बाद एक ग्राइंडर में, यानी कि जो ड्राई ग्राइंडर होता है उसमें इसको आप आराम से पीस लीजिए। पानी मत डालिएगा, अगर ना पीस रहा हो, कई बार होता है कि ब्लेड्स कमज़ोर होते हैं, इतने शार्प नहीं होते आपके मिक्सर के, तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, आज मैं अवॉइड करूँगा। और इसको पीसने के बाद इस मिक्सचर को हम डालेंगे हमारे मटन में, ये हमारा आज का तरीका है। ये देखिए पीस के तैयार हो चुका है। अब इस पूरे मिक्सचर को हम पूरा का पूरा डाल देंगे हमारे मटन में, जो देखिए लगभग काफ़ी हद तक भुन चुका है धीमी आँच में। अगर मैं इसको आपको उठा के दिखाऊं, देखिए जो बोन्स के ऊपर से फ्लैश धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, ये पहचान होती है। और अब डाल दीजिए हमारा अनियन की प्यूरी इसके अंदर। देखिए अनियन की प्यूरी में काफ़ी पानी ऑलरेडी होता है, तो उसी के पानी से लगभग ये पक जाएगा। धीमी आंच में इसको पकाइए, बहुत ही खूबसूरत रेसिपी है। देखिए संडे को मटन बनाना हमारे घर का तो एक रिवायत होता था, सही बताऊँ तो मैंने मटन बनाना सीखा ही संडे को अपने पिताजी से। संडे का दिन होता, हम 3 भाई, माताजी तो मटन खाती नहीं थी, पर फादर मटन लाते जरूर थे, और कई बार मदर बनाती थी हमारी, कई बार फादर बनाते थे। उन्हीं के द्वारा मैं इंग्रेडिएंट्स को पहचानना सीखा, तो मेरा पहला कलनरी स्कूल तो मेरा घर ही था, ऐसा सभी के साथ होता है। देखिए मटन लगभग पक के तैयार है, मगर इसको हमें काफ़ी ड्राई करना है, तो धीमी आँच में इसको पकने दीजिए। जब ये पूरा सूख जाए तभी इसको हम परोसेंगे। मटन पक तो गया है पर अभी भी थोड़ा गीलापन इसमें बाकी है। देखिए बोन को हम जब फ्लैट रिमूव करते हैं अलग अलग हो जा रही है, एकदम पक चुका है मटन। अब एक काम करिए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ
अब क्या करूंगा, इसको एकदम ड्राई कर दूंगा, क्योंकि आज हम एकदम खा रहे हैं भुना मटन और इसको आज हम चावल के साथ खाएंगे। बढ़िया से ताजे चावल बनाइए और इसको खाइए। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और मैं ऐसी रेसिपीज लाता रहता हूँ। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।